मेरे चैनल पे आपने सबसे ज़्यादा ड्राइंग्स ग्राफाइट में देखी होगी, लेकिन मुझे अदर मीडियम्स में वर्क करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया मैंने कोई वाटर कलर पेंटिंग नहीं बनाई, और वाटर कलर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ब्रांड कैमल। अब कैमल एक ऐसा ब्रांड है जिसका यूज़ हम सभी ने कभी ना कभी अपने बचपन में किया है, तो इसी की वजह से जो हमारा ट्रस्ट है वो कैमल ब्रांड पर काफ़ी ज़्यादा है। सो इसी ट्रस्ट को देखते हुए मैंने कुछ कैमल के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं कैमल के ये वाटर कलर केक्स, जो कि आते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू पैकेजिंग के साथ में। साथ ही मैंने लिए थे ये कैमल के इंटरचेंजेबल ब्रशेस। अब इन ब्रशेस में आपको 3 इंटरचेंजेबल हैंडल्स मिलते हैं, एंड साथ ही में आपको मिलते हैं 7 अलग अलग डिफरेंट हेड्स जिसको आप इजीली डीटैच या फिर अटैच कर सकते हो। आपको सिंपली इसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज एंड ये रिमूव हो जाएंगे, एंड लगाने के लिए आपको क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको फिक्स कर लेना है। इनके अलावा मैंने कैमलिन ब्रांड की तरफ से आने वाले कुछ ब्रशेस को भी ऑर्डर किया है। रिमेंबर गाइज, जो कैमल ब्रांड है ये आर्ट ब्रांड है, एंड ये जो कैमलिन ब्रांड है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑलराइट, तो अभी इनको मैं टेस्ट करूंगा, तो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा इंटरचेंजेबल ब्रशेस। सो सेकंड नंबर का ब्रश हैंडल यूज़ करके मैं वहाँ पर अटैच कर रहा हूँ फैन ब्रश। यहाँ पर हम ग्रेडियंट को टेस्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग आई नोटिस विद दिस वाटर कलर्स कि ये जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खूबसूरती से ये ब्लेंड हो जाते हैं साथ में, और काफ़ी सटल सा मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट मिला है। ये वाटर कलर्स मुझे काफ़ी हाईली पिगमेंटेड लगे, सो अगर आप थोड़ा सा भी पेंट लोगे एंड उसमें वाटर मिक्स करोगे फिर भी इनका जो कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट आपको लगेगा, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू वाटर कलर्स। अब ये जो सेकेंड टेस्ट थी इसके लिए मैंने सोचा चलो वाटर कलर पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो गाइज ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फाइनल हमारा पोर्ट्रेट नहीं है, तो अगर ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा तो प्लीज़ पार्डन मी। अभी ये दोनों टेस्ट हो जाने के बाद मैं सीधा गया पिंटरेस्ट पे, जहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंसेस सर्च किए और मुझे वहाँ से एक रेफरेंस पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पेंट करते हैं। मैंने फटाफट से इस पोर्ट्रेट को स्केच किया, एंड अब बारी आती है पेंटिंग की। तो पेंटिंग के लिए जितने भी मैंने प्रीवियस टेस्ट किए थे उनमें से एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि आपको लेयरिंग टेक्निक का यूज़ करना होता है, तो इस फाइनल पेंटिंग के लिए मैं भी लेयरिंग टेक्निक का ही यूज़ करूँगा। इस पेंटिंग की स्टार्टिंग मैं लिप्स से करने वाला हूँ, तो जो ब्रश लाइनर है उसका यूज़ करके मैं लिप्स में फर्स्ट लेयर अप्लाई करूँगा। अब इस फर्स्ट लेयर के लिए मैंने यूज़ किया स्कारलेट पेंट, जिसको मैंने वाटर से डायल्यूट करके यूज़ किया है, तो काफ़ी थीन सी मैंने एक लेयर अप्लाई की है। अब ये जो फेशियल फीचर्स है लिप्स नोज आईज, इन सब का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसकी वजह से जो ब्रश लाइनर है वो काफ़ी एक इफ़ेक्टिव ब्रश बन जाता है इन छोटी डिटेल्स को पेंट करने के लिए, एंड यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में मैं ब्रश लाइनर का ही यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं सिमिलर ब्रश को यूज़ करते हुए जो येल्लो ओकरा कलर है उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करके फर्स्ट लेयर अप्लाई करूँगा कम्प्लीट फेस पे। याद रखिए गाइस, जितना ज़्यादा आप वाटर यूज़ करोगे उतना ही थीन आपका कलर बनेगा, उतनी ही लाइट वैल्यूज आपको ज़्यादा मिलेगी। सो ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा वाटर इसमें ऐड किया था और हमें कुछ इस तरह से लाइट रिजल्ट यहाँ पे मिले हैं। सेकेंड लेयर के लिए मैं जो कलर की क्वांटिटी है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूंगा और वाटर की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दूंगा, सो दैट हमें थोड़ा सैचुरेटेड टोन मिले। अब ये जो सैचुरेटेड टोन्स है इनको मैं वहाँ अप्लाई करूँगा जहाँ पे ज़्यादा मुझे शेडो या फिर जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिल रही है, फॉर एग्जांपल लोअर लिप के नीचे में या फिर नोज़ के नीचे में, जहाँ जहाँ ज़्यादा शेडो हमें देखने को मिल रहे वहाँ वहाँ मैं इस लेयर को अप्लाई करूँगा। अभी सेकेंड लेयर फिनिश हो जाने के बाद मैं आइज़ को पेंट करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है बर्न सियना कलर। तो इस पेंट को भी मैंने थोड़ा वाटर के साथ डाइल्यूट करके यूज़ किया है, सो दैट जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो थोड़ा लाइट हमें मिले, एंड जैसे जैसे मैं लेयर्स को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं जो वाटर का कंटेंट है उसको कम करके जो पेंट का कंटेंट है उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाते जाऊँगा, सो दैट हमें हल्का सा सटल सा इफ़ेक्ट मिले। अभी जो चीक पार्ट है इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्कारलेट रेड, और इसको भी मैं वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ करूँगा। मेक श्योर कि यहाँ पर जो प्रीवियस लेयर्स है वो कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें। इस पोर्ट्रेट का साइज़ छोटा होने की वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 साइज़ के ब्रशेस को यूज़ किया है, अगर आपके पोर्ट्रेट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आपको अलग अलग साइज़ के ब्रशेस को यूज़ करना चाहिए।
बैकग्राउंड का जो सर्कल है उसको पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है हुकर्स ग्रीन। इसमें भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मैंने वाटर डाइल्यूट करके यूज़ किया है सो दैट हमें काफ़ी थीन सी लेयर मिले उसकी। सबसे एंड में मैं हेयर को पेंट करने वाला हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया बर्नट अम्बर। बर्नट अम्बर के भी आप अलग अलग शेड्स बना सकते हो, जस्ट उसमें आपको हल्का सा ब्लैक ऐड करना पड़ेगा एंड इस कलर को आप अपने ड्राइंग्स में डेप्थ के लिए ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैंने जो हेयर बनाया है इसमें डेप्थ देने के लिए मैंने बर्नट अम्बर के अलग अलग शेड्स का यूज़ किया है। क्लोज को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डाइल्यूटेड स्कारलेट रेड और इसका यूज़ करके मैं काफ़ी लाइट वॉश यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। सो दैट्स इट, ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग फिनिश हो चुके हैं। होपफुली आपको ये पेंटिंग पसंद आई है और अगर आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स को परचेज करना है तो इनकी जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केचिंग।